एक बार फिर से बात करेंगे समाअत के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत के सामने रुकावटें खड़ी करने का फैसला कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। तय कर लें कि हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ पढ़कर सुनाई। तजावीज़ में जजेस के साथ एजेंसीज के मेम्बरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का कहा गया है। जस्टिस अथर मिनोला ने इन तजावीज़ को चार्जशीट करार दिया। अदालत ने तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेंच में शामिल होने से माजरत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, क्या आपने हाईकोर्ट की तजावीज़ पढ़ी हैं? अटॉर्नी जनरल ने नफी में जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सिफारिशात अदालत के सामने पढ़ी। तजावीज़ में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के हुक्मनामे को सताइशी नज़र से देखते हैं। एग्जेक्टिव और एजेंसियों के अख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस में कोई तकसीम नहीं, इस तासुर को जायल करने की ज़रूरत है। आला अदलिया और ज़िले अदलिया के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाएँ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या जो नुकात बताए गए हैं इन पर आईन के मुताबिक हाई कोर्ट खुद इकदामात नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर अहमान ने कहा हाई कोर्ट बिल्कुल इस पर खुद इकदामात कर सकती है। जस्टिस अथर मिनोला ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ मुत्तफिक हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बज़ाहिर मुत्तफिक नजर आ रही है। जस्टिस अथर मिनोला ने कहा इसका मतलब किसी जज ने इख्तलाफ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।